झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने बुधवार 7 फरवरी को भारी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है। ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड भी मांगी थी, लेकिन विशेष जज ने सिर्फ 5 दिन की हिरासत दी। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि ईडी ऑफिस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बेसमेंट में रखा गया है, वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती है। ऐसे में उन्हें यहां रहने में बहुत परेशानी हो रही है, जिस आधार पर पूछताछ के लिए समय मांगा गया है वह कथित जमीन घोटाला से संबंधित नहीं है। रिमांड के लिए प्रे किया था, उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8-8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो जमीन के कागज से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसके उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था, जो हमारा समझना है बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया, ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, फिर भी रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है, इसके सारी बातें हमने कहा और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है, ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।